भाग अर्जुन भाग, भागो भागो। कश्मीर के लोग मारते हैं किसी को। मिसाल तो आप यहाँ आए, हम आपको मारेंगे, आप क्या कर सकते हैं? नहीं ये तो नहीं। अरे तो ये कैसे लाया? ये तो ऊपर वाले ने दिया है। क्यों इतनी दूर अकेले चले हुए? क्या मिला तुम्हें चले जो सबसे दूर? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम द ब्यूटीफुल लेक ऑफ श्रीनगर, द डल लेक। मैं हूं रघु राही, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पे और मेरी इस नई जर्नी जहां मैं घूम रहा हूं कश्मीर और फिर यहां से मैं जाऊंगा लद्दाख। कल आप लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे जम्मू से श्रीनगर पहुँचे और कैसे हम लोग कैब के अंदर 36 घंटे से ज़्यादा स्पेंड करने के बाद, ट्रैफिक जैम में फंसने के बाद, कैसे मैं और जहांगीर जिसे मैं कैब में ही मिला था, कैसे हम लोगों ने श्रीनगर के जो मुग़ल के ज़माने के जो गार्डन्स थे वो घूमे और आज हम लोग जा रहे हैं गुलमार्ग घूमने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ठहरा कहां हूं। हम लोग इस बोट हाउस में रुके हुए हैं जिसका नाम है होटल न्यू ग्रीन व्यू। और आप यकीन नहीं करोगे कि हम लोग इस एक रूम का कितना पैसा दे रहे हैं, सिर्फ 80 रुपये। यस, सिर्फ 80 रुपीज़ पर डे में हम लोग को एक किंग साइज बेड और एक बहुत ही सुंदर रूम मिला है जो कि बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही चीप है। एक्चुअली ये डील मुझे मिली एक ऐप के थ्रू जिसका नाम है गो आई बीबो, जिसको मैं हमेशा अपने बुकिंग्स के लिए यूज़ करता हूँ, चाहे वो ट्रेन टिकट हो, फ्लाइट टिकट हो, या फिर बसेस हो, या फिर रूम बुक करना हो। गो आई बीबो में हमेशा बहुत अच्छी डील मिल जाती है। मैं आपको एक लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, अगर आप लोग भी इसे यूज़ करना चाहें तो आप वो लिंक यूज़ करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो हमारा बोट हाउस है वो डल लेक के बीच में, एग्जैक्टली किसी लेक के बीचों बीच वहाँ पे ये होटल बनाया हुआ है। और यहाँ पहुँचने के लिए आपको मेन रोड से बोट से फिर आप उस बोट हाउस में जाते हो, वहाँ पे रहते हो, और अगर आपको वापस घूमना हो तो ये आपको वापस छोड़ देती है। नॉर्मली एक बोट राइड का 10 रुपया होता है, लेकिन क्योंकि हम लोग बोट हाउस में ही रुके हुए हैं तो ये सर्विस उनके तरफ से ही है, आना और जाना ये अपने तरफ से फ्री में छोड़ देते हैं। भाइयों, मैं रघु और मेरे साथ मेरा दोस्त जहांगीर जो कि कश्मीर से है। भाई जी कश्मीर से है। और हम लोग कल रात को कश्मीर पहुँचे श्रीनगर में, और हम लोगों ने लकीली इतना अच्छा हमको रूम मिला है लेक के वो साइड, दिस इज़ डल लेक, डल लेक के वहाँ पे हमको मिला है। फ्री शिकारा राइड होती है, वहाँ तक ले जाते हैं, छोड़ते हैं। होटल का नाम है होटल न्यू ग्रीन व्यू 2। और पता है डील कितने की हुई है? 160 रुपये में 2 दिन, मतलब 80 रुपये 1 दिन का, इतना सस्ता। और व्यू तो अमेजिंग है, तुम देखो कितना खूबसूरत है यहाँ पर। गजब, क्या बोलते हैं, गजब। चिड़िया देख, चिड़िया देख, चिड़िया तो हम लोग उधर बहुत है यार। चिड़िया दिखा रहा है तूने, चिड़िया ने मुझे लगा तुझे चिड़िया पता ही नहीं क्या होते। सो आज मैं और जहांगीर कहीं घूमने निकले हैं और हम लोगों ने यहीं के लोगों से, लोकल से ही पूछा कि हम लोगों कहाँ जाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि यहाँ सबसे सुंदर जगह है जिसका नाम है गुलमार्ग। सो आज हम लोग गुलमार्ग घूमने जाएंगे। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मैं हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही घूमता हूँ, क्योंकि एक तो बहुत सारा पैसा बच जाता है, दूसरा तुम्हें लोकल लोगों से इंटरेक्ट करने को मिलता है, तुम्हें नए दोस्त बनते हैं, नई जान पहचान होती है, ऊपर से आई लाइक टू ट्रैवल लाइक अ लोकल। सो हम लोग आज गुलमार्ग जाएंगे, वो भी बस के अंदर। जाएंगे अभी गुलमार्ग, जाएंगे ना गुलमार्ग, जाएंगे। भरने को कितना टाइम लगेगा अभी इसको? टाइम मैं कह सकता हूँ
कैब नहीं जाती क्या? सुमो 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 जाती है? कितना लेती है? कितना कितना? 50? ये कितना? 10-20? सही है भाई, अभी रुकना पड़ेगा अभी थोड़ी देर। दो बसेस चेंज करने के बाद और 100 रुपए खर्च करने के बाद हम लोग फाइनली गुलमर्ग पहुंचे, और दूसरी बस में हमारी मुलाकात कुछ कॉलेज स्टूडेंट से हुई जो कि यहाँ के लोकल थे और गुलमर्ग घूमने के लिए आए थे। जब उनसे बातचीत हुई और उन्हें पता चला कि हम लोग पहली बार कश्मीर आए हैं और हम लोग घूमने के लिए आए हैं, उन्होंने ऑफ़र किया कि वो हमें गुलमर्ग घुमाएंगे। उसमें से एक बंदे ने तो मेरी बैग भी ले ली और बोला कि आप हमारे मेहमान हो, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। मुझे वो काफ़ी स्वीट और काफ़ी हेल्पफुल लगे, तो उनका ये बिहेवियर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सुबह को उठ के देखा रोशनी से, मैंने पूछा कहाँ हूँ मैं? पहाड़ों में हर कदम पे है नजारे, वादियों में दिल हमारे हम खो गए। पहाड़ों में मैं मन चला, मैं तो घूमता रहा, कहाँ को मैं राह में पला, मैं तो राही हूँ भला, अब ना रहूं सलाखों में। वहाँ जो टीवी में हमको बताते हैं श्रीनगर के अंदर लोग ऐसे फत्तेबाजी करते हैं, किसी को मारते मारते हैं, तो वो बात सच है गलत है? कश्मीर के लोग मारते हैं किसी को? हाँ, ऐसे टीवी में दिखाते हैं ना कि पत्थर पे। कश्मीर के लोग मारते नहीं किसी को, लेकिन जब ये टूरिस्ट आते हैं यहाँ, इनको पैसे ज़्यादा देते हैं और गंडोला के लिए और घोड़ा के लिए पैसे ज़्यादा लेते हैं, मारते वारते नहीं है। मारते वारते नहीं है। आप क्या बोल रहे थे? वो क्या है कि यहाँ पर जो सोल्जर्स होते हैं, जब वो लोगों के साथ कुछ छेड़छाड़ करते हैं तभी कश्मीर के लोग पत्थरबाजी करते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट लोग होते हैं, जो हम जैसे लोग बाहर से आते हैं, हम लोग को तो कुछ दिक्कत नहीं है? ना, नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मैं खुद 2 दिन से रह रहा हूँ यहाँ पे, 2 दिन से मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। हम लोग मस्त घूम रहे हैं, रोज कोई ना कोई नया आदमी मिलता है, रोज हम बातें करते हैं। जैसे आज तुम लोग मिले, कल मेरे को और 2-3 लोग मिल गए थे बाहर से जो कश्मीर गए हैं। अरे सब हेल्प करते हैं, बढ़िया लोग हैं। अगर हम जाएंगे ना वहाँ बाहर, कोई ना कोई मारता है जरूर। कहाँ? बाहर किसी भी स्टेट में तुमको मारता है? कश्मीरों को मारता है बाहर? वीडियो थे मेरे फोन में, वीडियो क्या बात कर रहे हो? और तुम लोग कुछ नहीं करते? हम क्या करने कर सकते हैं? जैसे कि आप नहीं, 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 मतलब कहने का मतलब ये है, मिसाल तो आप यहाँ आए, हम आपको मारेंगे, आप क्या कर सकते हैं? हम चार हैं, हमारे बदले कोई ना कोई लड़ाई करने उठेगा, आपके बदले थोड़ी उठेगा। वैसे ही वहाँ सही बात है, मतलब ये बहुत गलत बात है। लेकिन तुम लोग बाहर से आ रहे हो तो तुमको मारते हैं वहाँ पे, और तुम लोग यहाँ से जो बाहर से यारे गंदगी है भाई, कहाँ मरवाएगा? कहने वाले कहते रहते तू न सुन, तुझको करना क्या है तू ही अब तो चुन। जाऊं कहाँ मैं जानता नहीं, और ये दिल है जानता नहीं। जाऊं कहाँ मैं जानता नहीं, गुलमर्ग आए हुए हैं। हाँ, कश्मीर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही उम्दा, और हमारे साथ है मेरे दोस्त लोग। हम अपना आया करो, आया करो, अपना नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बोलो। फुरकान। आपका? ठंडे। आपका? मेरा नाम जस्टिन रिफा। आपका? इरफान। मेरा नाम है जहांगीर खान। ये भाई जहांगीर खान है, ये हमको कल भी मिला था, कल डाला था ना मैंने वीडियो, पीछा ही नहीं छोड़ रहा आराम को। तो हाँ, तुम लोग यहीं से हो ना? ये यहाँ तो हम लोग सुबह से साथ में, अभी कितना बज गए? 2:30 बज गए मेरे हिसाब से। बहुत घूमा, यहाँ कोई पार्क था, पार्क में जाके बैठे हम लोग, मस्ती करी है, कोदे खोरे चल रहा है। हम मस्ती करेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। सब आमिर खान के फैन है यहाँ पे? नहीं, आमिर खान के नहीं, तो शाहरुख खान नहीं, शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी, सब लोग शाहिद अफरीदी के फैन है। सब इरफान ऋषि के, इरफान ऋषि के फैन है वो, जस्टिन रिफा के फैन है वो, तेरे फैन है? नहीं नहीं,
जस्टिन रिफा मेरे फैन है, सब इसके फैन है भाई। बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, अभी एक्टिंग करके दिखाएगा भाई, दिखा यार। एक्टिंग करना नहीं है यार, मुझे लगा करेगा तू। वैसे लगता है शाहरुख खान जैसा भाई, क्या आईब्रोज देखो भाई की। छोड़ो बोलो, घर पे कौन कौन? मेरे घर पे, मेरे घर पे एक कैमरा मैं आपसे तुम्हारे कैमरा से नहीं। मेरे घर पर मेरी जीएफ रहती है और कोई नहीं रहता। और जीएफ अकेली रहती है? हाँ, और मैं भाई दिल्ली नहीं जाता उनके पास। हैंडल बिस्को, बिस्को स्कूल है फेमस संगमरगला, संगमरगला के मैं सबसे बड़ा। जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है यार। कश्मीर वाली नहीं, वैली है ये पहले। अब तो कर रहे हो, थोड़ा पास आ जा। नहीं आता नहीं। अरे तो ये करना, बॉडी करना ऐसे ऐसे करते। ओ हो, ओहो भाई को देख, भाई को देख। तो सारा दिन घूमने के बाद जब हम लोग वापस निकल रहे थे तो इन सब लोगों ने बहुत जिद करी। इन लोगों ने बोला कि चलो यार आप हमारे साथ हमारे गांव चलो, एक दो दिन हमारे साथ गांव में रहो, घर में रहो, हम आपको गांव घुमाएंगे, मज़ा आएगा बहुत। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि यार जाना चाहिए, पर मैं जा नहीं पाया क्योंकि मुझे वापस से एक दो दिनों में लद्दाख के लिए निकलना था। लेकिन जितना भी टाइम हम लोगों ने साथ में स्पेंड किया, जितना भी एक्सपीरियंसेस मुझे और जहांगीर को मिले, वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस थे जो हम लोग लाइफ टाइम याद रखेंगे। 24, 27, 28 यार इस बैग में मेमोरी कार्ड भी आपका, दो चीज़ बदतमीज़ है ये लोग बहुत। ये इसने बिहार से, और ये कहाँ से लाया? ये तो ऊपर वाले ने दिया है। तुम्हारा बना दोनों सीधा रखना, ठीक है भाई? सीधा रखना, हाँ ठीक। इन्नर कहाँ से बन, इन्नर कहाँ से लाई है? कौन इन्नर? इन्नर ये इसको रास्ते में पड़ी मिली। ये कलकत्ता से, कलकत्ता आप कहाँ से आए हो? मैं बीरो से आई हूँ। ये कितने में बैट लाया है? ये 1200 की। ये कहाँ से लाया है? ये मांग के लाया है। ये कहाँ से लाया है? ये कहाँ से लाया है? ऊपर आ गए। ऊपर आ गए। ये कहाँ से आए? सो दोस्तों, इसी तरह हम लोग सारा दिन गुलमर्ग में घूमते रहे और बहुत मस्ती की, बहुत बातें करी। समझ में आया कि इस दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना चले जाओ, सारे लोग एक जैसे ही होते हैं, इनकी बातें, इनकी मस्ती। सो जगह से और भाषा से कोई अलग नहीं होता, ये मुझे समझ में आया। और ये मेरा जो एक परसेप्शन था कश्मीर के बारे में, वो काफ़ी चेंज हो गया इस ट्रिप के बाद में। जिस टाइम पे हम लोग निकले उस टाइम पे पब्लिक बस अवेलेबल नहीं थी, इसलिए हम लोग शेयर्ड कैब से गए। और शेयर्ड कैब में हमें मिला एक छोटा बॉम्ब बड़ा धमाका, ये छोटी सी बच्ची हमें मिली जो बहुत ही क्यूट थी और बहुत ही शरारती थी। इसने हमारा सफ़र और भी मज़ेदार कर दिया। सो ये था हमारा आज का दिन। आई होप कि आप लोगों को आज का दिन बहुत अच्छा लगा होगा। जितना मज़ा हम लोगों ने किया, उतना ही मज़ा आप लोगों ने भी किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नहीं नहीं, ये तो सबको आता है, कोई अच्छा पोयम बताओ।
हो गया।